पिछले साल हमने देखा था कि जब कोरोना का मामला लगातार बढ़ने लगा, तमाम ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद कर दी गई। ऐसे में प्रवासी मजदूर जो थे वो शहर से गांव की तरफ पलायन करने को मजबूर हुए। उसी तरह एक बार फिर उन्होंने मुंबई से पलायन अपना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि कोरोना से ज्यादा उन्हें लॉकडाउन का डर सताने लगा है, जिसके बाद उनके ये समझ में नहीं आ रहा कि वो करें भी तो क्या करें। दरअसल पिछले साल कोरोना के मामले जब तेजी से बढ़ने लगे तो सरकार की तरफ से संपूर्ण तालाबंदी की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद आवागमन के लिए सभी यंत्रणाओं पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया गया था, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों ने पैदल ही हजारों किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। लेकिन इस बार अभी तक ट्रेनों पर सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, जिसके कारण प्रवासी मजदूर अभी से अपने गांव जाने के लिए आतुर हैं। उनके जेहन में कोरोना से ज्यादा लॉकडाउन का खौफ है, और ऐसे में मुंबई और आसपास के इलाकों में प्रवासी मजदूरों की टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खासकर भिवंडी जैसे इलाकों में बड़ी तेजी से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बसों में भर भर कर अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। ऐसे में ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोई नियमों का पालन। आपको बता दें कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, जिसके बाद एक बार फिर लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। पिछले बार के लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के रोजी रोजगार पूरी तरह से ठप्प पड़ गए, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद पलायन ही उनके सामने एक बेहतर विकल्प नजर आया उन्हें, और उसी तर्ज पर एक बार फिर वे पलायन करने के लिए तैयार हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर गांव जाने की जो इच्छा है वो कितनी प्रबल है। इनके जेहन में कोरोना का खौफ नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति चरमराने का डर है, और इसी के चलते ये अपने गांव की तरफ जाने के लिए आतुर हैं। आम आदमी गरीब आदमी को तकलीफ है और किसी को नहीं तकलीफ, आने जाने वाले को तकलीफ है। कितने दिन आए थे मुंबई? मुंबई कभी आए, कभी काम चालू? 3 महीने पहले आया, मैं फिर जा रहा हूँ। मैं 2000 रुपये लगा के आया, 2000 लगा के जा रहा हूँ। क्या फ़ायदा हो रहा है मेरे को है? कुछ हो रहा है फायदा मेरे को? गाड़ी पे गाड़ी का काम कर रहा हूँ, पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग को। पैसा मिलता है तो 200-300 रुपये देते, उसमें क्या होता है? हम लोग गरीब आदमी, तो अभी आज लॉकडाउन है, काम नहीं करेगा तो पैसा हम लोग खाएगा। पासपोर्ट बना है ना मेरा, आधार कार्ड ना कुछ भी बना। हां भी गरीब आदमी नहीं हम लोग, मजदूरी ना मेरा भी तो शादी हो गया हमारा, लेकिन मेरा भी का खाता भी नहीं बन रहा है। कैसे क्या तकलीफ हम खा के, कैसे क्या अमाउंट दे रहा अपना। तुम क्या बता रहे थे, क्या कर रहे थे? हम लोग के पास इतना खेती बाड़ी नहीं, हम लोग मजदूरी नहीं करेगा तो हम लोग कैसा खाएगा? अभी यहाँ पे मुंबई में क्या काम कर रहे थे? कितने पहले हम लोग बेगारी का काम कर रहा है। अच्छा, तो कितने महीने मुंबई में हुआ आके, फिर आज गांव क्यों जाना पड़ रहा है? 3 महीने पहले आया हम, अभी क्या है लॉकडाउन की वजह से हम लोग भाग रहा है इधर से। गांव पे भी कुछ भी नहीं है, हम लोग अभी जाएगा इधर पैसे नहीं रहेगा गाँव पे भी, इधर भी भूखा हम लोग मरेगा, क्या करेगा? नाश्ते का काम था। कभी आया मुंबई में और कभी?